नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। यानी कुछ दिन पहले यह सरकार के तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया था कि जो भी स्टूडेंट का यानी कि मैट्रिक और इंटर में 75% हाजिरी उपस्थिति नहीं रहती है तो उन लोगों का यानी 2024 में बोर्ड का एग्जाम में उपस्थित होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार इसमें कुछ छूट दी है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी स्टूडेंट तो एक समान नहीं है, क्योंकि किसी को यानी तबीयत भी खराब हो सकता है, किसी किसी का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक छूट दी है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब कितना प्रतिशत उपस्थित रहने पर बोर्ड का एग्जाम दे पाएंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्टूडेंट हैं या उनके माता पिता वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर पेपर कटिंग दिखलाई दे जो कि 30 अगस्त 2023 के पेपर कटिंग रिलीज किया गया। शॉर्टकट तरीके से बताएंगे क्योंकि आपका भी समय खराब नहीं हुआ। ये देख सकते हैं निर्देश में दिया गया है मैट्रिक इंटर परीक्षार्थियों को उपस्थिति में 15% छूट मिलेगी। ठीक है, जो भी मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट है अब उपस्थिति में 15% की छूट मिलेगी। लेकिन इसका कंडीशन भी रखा गया है कौन सी परिस्थिति में आपको 15% की छूट मिलेगी। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बात किया गया बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों को यानी स्टूडेंट को उपस्थिति में 15% की छूट दी है। फरवरी 2024 तक अगर छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% के बजाय 60% रहती है तो उन्हें मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी इससे पहले अपडेट जारी किया गया था कि 75% से अगर कम अगर रहता है आपकी उपस्थिति तो आप मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस पर अपडेट दिया गया कि अगर 75% के बजाय अगर 60% भी आपका उपस्थिति रहती है तो आप यानी कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, इसका मौका मिलेगा। हालांकि बोर्ड ने स्कूलों में 9वीं और 11वीं में 75% उपस्थिति के अनिवार्य भी कर दी गई। ठीक है, पहले मैट्रिक और इंटर के लिए था लेकिन अब वो 9वीं से लेकर 11वीं तक स्टूडेंट को भी कर दिया गया। ठीक है, यानी बोर्ड ने स्कूल में 9वीं और 11वीं में 75% उपस्थिति की अनिवार्य कर दी है। जिन छात्रों को उपस्थित 75% नहीं होगी उन्हें 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा यानी कि जो भी यानी कि बात किया गया 75% उपस्थिति का तो 9वीं से लेकर 11वीं के वार्षिक परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने यह दिशा निर्देश स्कूल को जारी किया गया कि बोर्ड के अनुसार मैट्रिक और इंटर परीक्षा में 60% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाए जैसे चिकित्सा आधार के जैसे कैंसर का बीमारी हो जाता है, एड्स या टीबी जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित जो स्टूडेंट होते हैं उनका अगर 60% उपस्थिति में छूट मिलेगी। ठीक है ना, अगर 60% कम आएंगे क्योंकि उनका तबीयत तो खराब होगा और उससे कम आएंगे तो उनका यानी कि जो भी स्कूल में यानी कि एग्जाम के इंटर में बैठा का मिलना मौका मिलना पड़ेगा। लेकिन उसको एक कंडीशन रखा गया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है क्या इलाज करा है वो आपको देना पड़ेगा। ज्यादातर स्कूलों में इसको लेकर संस्था था लेकिन 75% उपस्थिति केवल 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ही थी। लेकिन अब 9वीं और 11वीं में 75% उपस्थिति को लेकर कई दिशा निर्देश नहीं है। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 75% उपस्थिति 10वीं और 12वीं के साथ 9वीं और 11वीं की अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये अपडेट वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल वीडियो होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा जैसे करता है और भी लोग को जानकारी मिल सके। और भी इसमें जानकारी दिया गया, देख सकते बात किया गया है फरवरी में उपस्थिति का विवरण लेगा बिहार बोर्ड। ठीक है, यानी जो भी इसका उपस्थिति का जो भी डाटा है बिहार बोर्ड लेगा विवरण सभी स्कूलों से। बात किया 9वीं और 11वीं विद्यार्थी को उपस्थिति कितनी रही है इसको लेकर बिहार बोर्ड फरवरी में सभी स्कूलों को छात्र की उपस्थिति का विवरण लेगा। जिन छात्रों की 75% उपस्थिति नहीं होगी उनको स्कूल के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसे छात्रों की सूची बोर्ड के वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, यानी कि यह बहुत बड़ा बदलाव किया गया बिहार बोर्ड के तरफ से कि जिन भी स्टूडेंट का 75% उपस्थिति नहीं है उनका यानी कि जो भी डिटेल्स स्कूल द्वारा लिया जाएगा कि क्यों नहीं है, क्या कारण बताइए, और वो जो भी इसका जो कारण है यानी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज भी किया जाएगा कि इन स्टूडेंट को इन कारण से नहीं आएंगे, 75% उपस्थिति नहीं थी। तो यही अपडेट वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से करता है और भी लोग को जानकारी मिल सके।